हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब चैनल पे। आज मैं आपके लिए कुछ टेक्निकल न्यूज़ लेके आया हूँ। आजकल एक फ़ोन जो अभी लॉन्च होने वाला है अमेज़न पे, बहुत ही ट्रेंडिंग में है, जो कि बहुत ही पॉपुलर फ़ोन है, जो कि MI A1 का सीरीज़ है, जो MI A2 है, जिसका नाम MI A2 है, और ये 8 अगस्त को अमेज़न पे लॉन्च होने वाला है। उसके बाद आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो हम इसी चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, कितनी बैटरी है, कौन से क्या इसकी चिपसेट है, कितनी बॉडी रेशियो है, कितनी कितनी मेमोरी पे, और कितनी कितनी मेमोरी है, और ये कितने कितने प्राइस में, और कौन कौन सा वेरिएंट कितने कितने प्राइस में मिलेगा, और कितना कैमरा दिया गया है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही सारे वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत आपको मिल जाए। और ऐसी बात नहीं है, मैं हर चीज़ पढ़ाई लिखाई के बारे में, जितने भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगा, हर चीज़ के बारे में अपलोड करते रहूँगा, और आपको एक ऑलराउंडर की तरह हर चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं MI A2 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसका स्क्रीन की। इसकी स्क्रीन साइज़ जो है वो 5.99 इंच का है, जो कि 18:9 के रेशियो में दिया गया है, और इसकी बॉडी रेशियो है 77.4%, यानी कि इसमें बहुत ही कम बेजल्स देखने को आपको मिलेंगे। और रेजोल्यूशन जो दिया गया है वो 1080x2160 दिया गया है, जिसका मतलब, और ये 403 PPI है, और ये हमारे लेटेस्ट एंड्रॉयड 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स पे रन करेगा। और जो चिपसेट दिया गया है वो क्वालकम स्नैपड्रैगन 660 का दिया गया है, जो कि एक बहुत तगड़ा प्रोसेसर है अभी हाल फिलहाल, जो कि तहलका मचा चुका है MI Note 5 Pro। इसमें 636 का प्रोसेसर दिया गया था, वो फ़ोन बहुत ही फास्ट था, वो फ़ोन मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ हूँ, और अगर 636 का प्रोसेसर इतना तगड़ा है तो आप सोच सकते हैं 660 का प्रोसेसर कितना तगड़ा होगा। और इसमें जो CPU यूज़ किया गया है वो ऑक्टा कोर क्रायो 260 का दिया गया, ये भी बहुत तगड़ा है। और CPU जो रहता है वो हमारे डेली यूजेज को बहुत ही स्मूथ बनाता है, और आप इस चीज़ का भरोसा रखिए, इस फ़ोन पर आपको डेली यूजेज बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे। उसके बाद जो GPU जो हमारे गेमिंग में हैवी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, वो Adreno 5012 दिया हुआ है, 512, जो कि बहुत ही तगड़ा है, अभी तक का बहुत ही तगड़ा है मिड रेंज के फ़ोन में। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसके पीछे में डबल कैमरा दिया गया है। फर्स्ट कैमरा जो है वो 12 कैमरा का है, जो मेन कैमरा वो 12 MP का है, अपर्चर 1.8 पे। और जो सेकंड कैमरा है, जो सेकंड सेंसर जो डेप्थ मोड के लिए दिया गया बोके इफेक्ट के लिए, वो 20 MP का है, वो भी अपर्चर 1.8 पे है, और आपको डुअल टोन प्लस LED दिया गया है पीछे की साइड में, जिससे आपको बहुत ही सुंदर आकर फोटो खींचने को मिलेंगे। और जो सेल्फी कैमरा दिया गया है वो सेल्फी कैमरा 20 MP का दिया गया है, अपर्चर 2.2 पे, और विद LED फ्लैश के साथ, आपको LED फ्लैश भी मिल जाएगा। उसके बाद 3.5 mm का जैक दिया गया है इसमें। उसके बाद सेंसर्स की बात कर लें, तो सेंसर्स में इसमें सारे सेंसर, छोटे बड़े सारे सेंसर्स हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाएंगे, एक्सेलरोमीटर मिल जाएगा, गायरोस्कोप मिल जाएगा, प्रॉक्सिमिटी मिल जाएगा, कंपास मिल जाएगा सारा। और बैटरी जो दिया गया है वो 3000 mAh का दिया हो गया है, नॉन रिमूवेबल, हालांकि बैटरी थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, तो अगर थोड़ा सा बैटरी और ज़्यादा होता तो ये बहुत ही हैवी फ़ोन हो जाता, क्योंकि 6 इंच के स्क्रीन में और फुल HD के स्क्रीन में 3000 mAh थोड़ा सा कम पड़ जाता है, तो इसलिए बैटरी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। उसके बाद बात करें इसके चार्जिंग की, तो इसमें फास्ट चार्जिंग दी गई है और टाइप सी चार्जर दिया गया है, फास्ट चार्जिंग 3.0 दिया गया है। तो ये तो रह गई इसकी बैटरी की बात। अब बात करते हैं इसमें कितनी मेमोरी दी गई है। मेमोरी में आपको 3 वेरिएंट मिल जाएगा, एक 128 का 6 GB RAM, 128 GB इंटरनल, एक 4 GB RAM 64 GB इंटरनल, और एक 4 GB RAM 32 GB इंटरनल। आपको इसमें SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा, और एक्सपेक्टेड प्राइस मेरे हिसाब से इंडिया में इसकी 6 GB और 128 GB RAM वाला का 20,999 होगा, 4 GB 64 GB का 18,999 होगा, 4 GB 32 GB का 16,999 होगा। आप लोगों को क्या लगता है, इससे ज़्यादा इससे कम, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बस इतना सही बताना था। और अगर आप लोग ये फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि इस फ़ोन में कोई भी कमी नहीं है, बस एक बैटरी थोड़ी सी कम पड़ेगी आपको, बाकी सारा कुछ ठीक है। और बाकी अभी कोई अच्छी जॉब वॉब नहीं आई है, जॉब वॉब की वैकेंसी नहीं निकली है, जैसे ही कोई अच्छी जॉब की वैकेंसी निकलेगी मैं आपको बहुत ही उसके लिए बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन लेके आऊँगा। थैंक यू।